हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुंटी और आज मैं हूं राजस्थान के कोटा सिटी में। आज मैं आपको पूरा कोटा सिटी घुमाने वाली हूं। क्या आप रेडी हो? तो आइए। वेलकम टू कोटा। कोटा में सबसे पहले हम देखेंगे चंबल रिवर, जिसका हमने टिकट्स भी ले लिया है। चलिए आइए। चंबल नदी कोटा की सौंदर्य को बढ़ाती है, इसलिए कोटा को लैंड ऑफ चंबल कहा जाता है। नदी के पास एक सुंदर उद्यान भी है, आइए इसका भी आनंद लेते हैं। अब हम जा रहे हैं सिटी गढ़ पैलेस। सिटी गढ़ पैलेस कोटा की शान है। पैलेस से कोटा बराज के भव्य नजारा भी देखा जाता है। अभी हम पैलेस से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं गराडिया महादेव के ओर। लगता है कुछ इंटरेस्टिंग होगा। वाव, गराडिया महादेव कोटा की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। मेरे ख्याल से सबको ये जगह देखनी चाहिए। यहाँ से नीचे जाके है भगवान महादेव जी का मंदिर। यहाँ से निकलती हुई पवित्र धारा में बहुत लोग स्नान भी करते हैं। हैंगिंग ब्रिज ऑफ कोटा, अभी हम उसके ऊपर से गुजर रहे हैं। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं 7 वंडर पार्क में। दुनिया के 7 अजूबे इस पार्क में विद्यमान हैं।
इस पार्क के एक साइड जल से घिरा हुआ है और जल के बीच में है जग मंदिर, जो दर्शकों को बहुत ही पसंद आता है। हम बोटिंग लेके वहाँ जा सकते हैं। मिस्र का पिरामिड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी और पिसा का मीनार, ओ और प्रेम का प्रतीक ताजमहल भी है। वाव, पेरिस का आईफिल टावर, जिसके पास से मैं अभी गुजर रही हूँ। और इटली के कॉलिजियम को भी हम देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मेरे साथ एक दिन में कोटा घूम के कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।